अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम बना रहे हैं वाइट चिकन कढ़ाई। उसके लिए हम लेंगे 1 केजी चिकन और हाफ केजी दही ले लेंगे, और साथ में हम वाइट कढ़ाई मसाला ले लेंगे। आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और साथ में हम 8 से 10 मिर्चें ले लेंगे और 7 अदरक। अदरक और मिर्चों को हम पीस लेंगे और दही को फेंट लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। हरी मिर्चें हमने पीस ली हैं और अदरक भी पीस लिए, दही भी फेंट दिए। अब हम ये सब चीज़ें अब चिकन में ऐड करके इसको ये सब हम चिकन में ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे। उसके बाद 1 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। चिकन को अच्छी तरह मैरिनेट करके रख देंगे। चिकन मैंने मैरिनेट कर दी है। अच्छी तरह मैरिनेट करके इसको आप 1 घंटे के लिए रख दें। 1 घंटा हो चुका है चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब हम मैरिनेट की हुई चिकन को बनाते हैं। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें ऑयल, 1 कप ऑयल डाल दिया। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें मैरिनेट की हुई चिकन डालेंगे। तेज आंच पे थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे। सॉरी, भूनना नहीं है, पकाना है। हमें दही के पानी में ही चिकन को अच्छी तरह पकाना है। हमारी चिकन रेडी होने वाली है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह पक चुकी है। अब हम इसे 5 से 7 मिनट तक हल्की आंच पे रखेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। और दूसरी तरफ आज हम पुलाव बना रहे हैं। 7 मिनट हो चुके हैं और हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें, माशाल्लाह हमारी कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त लग रही है। और साथ ही हमने मटर का पुलाव बना दिया। कुछ दिनों से दिल कर रहा था मटर का पुलाव बनाने का, तो आज हमने साथ ही मटर का पुलाव बना दिया। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।